क्रोध के कारण से भी उसका परिणाम ज्यादा भयंकर होता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप में खत्म होता है। पराए हर समझदार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बस इतना ही सोचकर छोड़ देता है। अगर हमें क्रोध के कारण समझ में आ जाएं, तो उसका निवारण भी हो सकता है। क्रोध कई कारणों से आता है। एक तो बिना किसी कारण अपने ही संस्कार वशाता है, जैसे ईर्ष्या, नफरत, नाजुक नेचर, पुरानी स्मृतियां, व्यर्थ फीलिंग्स, नेगेटिव संकल्प आदि का संस्कार। दूसरा, जब कोई कारण बनता है तब क्रोध आता है। नंबर एक, जब कोई ग्लानि करता है अथवा छोटी बात को बड़ा रूप देता है तब क्रोध आता है। उस वक्त हम एकांत में बैठकर मन को शांत करके सोचें तो हर बात में कुछ परसेंट सत्य जरूर होता है। अगर वह कमी हम निकाल देंगे, वही उस कारण का निवारण हो सकता है। कार्य करके न्यारा हो जाएं व कार्य करके उनका अच्छा व बुरा फल बाबा के आगे रख दें, तो अवश्य संतुष्टता बढ़ेगी और क्रोध से मुक्ति होगी। दूसरा कारण, अपना ही स्वभाव होता है। जैसे कई लोगों के अंदर सच्चाई का गुण होता है, तो वह व्यक्ति दूसरों के साथ भी सच्चाई ही चाहता है। अगर कभी दूसरा व्यक्ति झूठ बोलता है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि कोई झूठ बोले तो गुस्सा नहीं आता है, परंतु खुद भी कभी कभी झूठ का सहारा ले लेते हैं। मगर उसकी विशेषता है हर कार्य एक्यूरेट और समय पर करना, और सामने वाला उस कार्य को इतना महत्व नहीं देते, पोस्टपोन करते और भूल जाते हैं, तब गुस्सा आता है। कई लोगों को जहां अधिकार है वहां गुस्सा आता है, जैसे ऑफिस में, घर में, नौकर पर। जहां अधिकार है वहां गुस्सा आता है, तो हम अपने ही स्वभाव की जांच करें, मुझे किस एक्शन पर रिएक्शन आता है। तीसरा कारण, किसी भी कारण से आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो भी गुस्सा आ सकता है। नींद कम से कम 5 घंटा होना जरूरी है, नहीं तो फिर दिन भर में चिड़चिड़ापन रहेगा, छोटी सी बात में भी गुस्सा आ सकता है। ऐसे समय पर जब कोई बात ऐसी बनती है, समस्या आती है, तो मौन में रहो, क्योंकि आपको पता होगा पूरा रेस्ट नहीं मिला। चौथा कारण, जिसका संकल्प नेगेटिव चलता है, संस्कार किनारा करने का है, बड़ों के प्रति व यज्ञ के प्रति भावनाएं टूट चुकी हैं, तो उसका जीवन रूखा रूखा बन जाता है और व्यर्थ संकल्प, नफरत के संकल्प चलते हैं, यह भी क्रोध का ही अंश है। ओम शांति।